चीज की बस कमी थी, मतलब माइनस पांच माइनस छह डिग्री टेम्परेचर में बस स्नोफॉल ही होनी थी, अब और क्या होना था। रुको, अरे आ रही है, आ रही है स्नोफॉल, आ रही है। I love snowfall. Life की पहली snowfall fast story है। इतनी ज्यादा ठंड में जाके हम फिर आए, फिर दो घंटे हमने रेस्ट करी रूम में, और उसके बाद अब हम फिर से निकल आए, रात के टाइम फिर से निकल आए हैं। अब खाना खाने आए हैं, हाथ सेक लो मम्मी, बहुत ज़्यादा ठंड है। और यहाँ पे ना हर जगह पे ना बोन फायर हुई हुई है, ये देखो, और निकला धुआं है, अभी तो जल नहीं रही। क्या फर्क पड़ता है, हम लोहड़ी पे ऐसे बोन फायर करते हैं, और यहाँ पे हर जगह हर कोने कोने में ये बोन फायर है। यहाँ पे हम बैठे हैं खाना खाने, और ये देखो ये हर टाइम डॉगी डॉगी करता रहता है, डॉगी भी उसके पास आके बैठ गया। और ये देखी, अच्छा ये तो बड़ा ही शांत कुत्ता है, इस नेम कुकुश 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 कुकुश। मम्मी कितना सॉफ्ट है, मम्मी मेरे को डॉग ले दो ना यार, एक प्लीज, आई नीड अ डॉग, आई नीड अ डॉग सच में। ये तो सच में बड़ा शरीफ सा है डॉग यार, काश मेरा डॉग होता ये। चल भाई दिल्ली मेरे साथ चल ले। ओके, मुझे सच्ची में डॉग चाहिए यार, और ये तो ऐसा डॉग चाहिए मतलब एकदम शांत होके बैठा रहे, जो जिसको पूरे दिन बस ऐसे ऐसे पेट करता है, इसको बैग में डाल के ले जा, काश ले जा पाता यार। यार ये तो बहुत ही प्यारा है यार। और ये खाना है, और मम्मी ने ये मशरूम मंगवाया था। जैसे इंडिया में किसी भी लाउंज में चले जाओ तो लाइव शो चलता है ना, वैसे यहाँ पे भी लाइव सिंगिंग हो रही है। अभी ना हम डिनर करने आए हैं, और कल हमने पीछे एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे खाया था खाना, और वहाँ का खाना बहुत अच्छा था, तो वहीं जा रहे थे, तो यहाँ पे ना किसी ने आवाज़ दी कि अज साडा भी टेस्ट कर लो पंजाबी खाना। पंजाबी बोली जैसे ही मलन साहब तो बिल्कुल फ्लैट हुए, कह रहे अच्छा जी चलो आज आपका खा के देख लेते हैं। यार हमने बोला पापा माने नहीं, हाँ। भैया ने बोला पाजी आज साड्डा भी खा के देख लो खाना, ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से बस आवाज मारी उन्होंने, पाजी आज साड्डे अच्छे भी खा के देख लो पापा, अच्छा चलो आ जाते हैं। मैंने बोला तो ऐसे हो गए थे, कल तो कह रहे थे वहाँ का अच्छा मस्त एकदम, किधर से हो, वो मेरे भी वहाँ से हैं, ये हैं वो, रिश्तेदारी पूरी निकाल लेते हैं, पूरी रिश्तेदारी काट ली थी इधर। भैया ने बोला मैं अमृतसर से हूँ, पापा भी लेकर आए, पापा भी अमृतसर हैं, तुझे अमृतसर कितने वगैरह, वो वहाँ से, वो हम भी वहाँ से हैं। जब हम कह रहे थे ना कि चलो आज यहाँ का टेस्ट कर लेते हैं खाना, तो कह रहे नहीं 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 कल वहाँ खाया था उसका बहुत अच्छा था, तो वहीं जाना है हमने। वो जैसे एक सेकंड लगा पापा को, ऐसे भैया ने बोला साइड भी अच्छे का, अच्छे चलो लेट है। स्नोफॉल की एक बात है, जब वो हो जाती है तब इतनी ठंड नहीं लगती, बाद में लगती है, तो इससे बेटर के हमें खांसी जुकाम सर्दी हो जाए चल लेना चाहिए, तो चल तो रही है, चलते चलते ये देखो स्नोफॉल है, हमारा लाइफ का फर्स्ट स्नोफॉल है, हमको बहुत ठंड लग गई, ठंड लग गई, ठंड लग गई। ये तो भाई छोटे बच्चों से भी ज्यादा, रोड से इधर अंदर आ जाओ भाई, सामने दिखाओ भाई, अब मस्त लग रही है स्नोफॉल, ये देख स्नोफॉल तेज हो गई है, हाँ चल लेते हैं भाई, अरे चलने दे भाई स्नोफॉल, स्नोफॉल तो रोक भी नहीं सकता मैं, चलने दे। ये देखो, अरे किसी की गाड़ी है यार, ये देखो तुम भी यार, कोई बैठा हुआ गाड़ी के अंदर, उसकी गाड़ी पे छत पे हाथ मार के, ये देखो स्नो बैठा हुआ, ओहो बर्फ बर्फ, ओ ये देखो बर्फ अब दिख रही है, यार गिर तो पानी रहा, अब मैंने एक्शन मोड ऑन कर दिया, अब देखो क्वालिटी करे, एक्चुअली क्या ना गिरता पानी है लेकिन
टेम्परेचर की वजह से बर्फ बन रही है। ओए होए 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 मम्मी चलो 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 इसी चीज की बस कमी थी, मतलब माइनस पांच माइनस छह डिग्री टेम्परेचर में बस स्नोफॉल ही होनी थी, अब और क्या होना था। रुको यहाँ तो नहीं दिख रही यार, रुक गई स्नोफॉल फिर रुक गई। आ जा प्लीज आ जा, तुझको पुकारे तेरा यार। अरे आ रही है स्नोफॉल आ रही है। आई लव स्नोफॉल, लाइफ की पहली स्नोफॉल फास्ट हो रही है। ये देख तेरी जैकेट दिखाऊं? हाँ हाँ ये देखो सारी दिख रही होगी। तो ऑफ मेनू वरना पेंदा ओए बना, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे पूरे कोर्ट पे बर्फ जम चुकी है। जो सामने से कोई अंग्रेजन जाता भी स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश ब्रो। वो अंग्रेज है नहीं एक्चुअली, मैं अंग्रेजी भी समझ नहीं आएगी। पहली बार बर्फ देखी है, डांस अच्छा डांस करो। बर्फ साइड में, साइड में, साइड में, साइड में, साइड में, सीधा आइस स्नो। बस पापा बस कर ली लोगों ने फील, आजो 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 हो गई फील, अपने भी तो लग रही है। स्नोफॉल मैनू करना पेंदा, वो एक्चुअली ठंड की वजह से कुल्फी जम रही है और आप कह रहे हो डांस करूं मैं। चलो भाई चलो स्नोफॉल में। तो मम्मी मैं वैसे ही लाल नाक वाला स्नोमैन ही बन गया। हिया 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 भाई, पापा कह रहे हैं बाहर थोड़ी देर बैठते हैं। अब भाई यहाँ पे कुल्फी जम रही है, ये कह रहे हैं बाहर बैठते हैं। कह रहे तुम्हारी फर्स्ट स्नोफॉल है, मैंने कहा पापा फर्स्ट को लास्ट थोड़ी ना बनाना है। चलो कमरे में देख ली भाई स्नोफॉल होते हुए, बस हो गया। The next morning. ये देखो गाइस ये लड़का यहाँ पर सोफे पे बैठा है और सोफा नीचे सोफा ही तोड़ दिया। ये देखना भाई ये कहाँ बैठे हैं सर आप। अब तोड़ने का भी मन नहीं करता ब्रो, टूटे मका। उठ जा अब, तेरा से उठा नहीं जा रहा है नोनो, उठ जा अब, इस सीट देखो। अब तो उठने का भी मन नहीं आ रहा, बोला तो टूटे मका एक बारी फिर से गिरे बंदे कहाँ है। मैं थक गया हूँ ब्रो, अब तो उठने की भी इच्छा खत्म हो गई है, ऐसे ही ठीक हूँ। सच में ऐसे लग नहीं रहा था कि ये सोफा कोई टूटा फूटा है। आप बैठने लगे थे ना इसपे? हाँ। बच गए, ये तो सिर्फ शो के लिए था। शो के लिए बैठते अंदर धस गया भाई। लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली, मैं खिलाड़ी पता ही नहीं। छोड़ परे रहने दे, अपने आप कर लेंगे। इस पे उनको बोला वार्निंग साइन लगाया डोंट सिट, बना रखा है नीचे है ही नहीं कुछ। अरे मैं सच में अभी चेक करा, नीचे उसके है ही नहीं कुछ, तो अगर आप बैठोगे तो अंदर ही जाओगे। कमाल है, इतनी स्नोफॉल हुई है हमारे रूम से निकल के रिसेप्शन तक पहुंचने में। देखो क्या हालत हो रही है, ऊपर का नजारा देखो, इतनी भयंकर स्नोफॉल है। बड़ी ही मुश्किल से क्रॉस करके अब आई हूँ। ये देखो होटल के बाहर का नज़ारा, कितनी स्नोफॉल अभी तक भी हो रही है। पेड़ भी वाइट, ऊपर से बिल्डिंग पूरी वाइट, और ये देखो कैसे चल के। हाय राम, पैर पूरे घुस गए नोनू के। तो नोनू लाइव स्नोफॉल देख ली, इतनी स्नो और अभी भी स्नोफॉल हो रही है। पीछे कुत्ता है, पीछे डॉगी भी है। कोनी ठंड लग रही क्या? हाँ उसको ठंड नहीं लग रही, उनकी आदत है। चल भाई डिंपल आओ मम्मी। अबे तू ये देखो हमारा छोटा बच्चा जो है इसको हाथ पकड़ के चलवाना पड़ रहा है, इस छोटे बेबी को। अबे उल्टा हो रहा है, मम्मी को चढ़ाना पड़ रहा है। अच्छा, उन्हीं को ही बोल रहा हूँ यार अब्बू, वो वैसे सुबह ऑलरेडी गिर चुकी हैं एक बार, स्नो में आई है और उसके बाद करके धड़म करके गिर गए। फिर कहती है मेरा तो पैर स्लिप हो गया है। अरे वो स्लीपर्स में बर्फ भर गई। स्लीपर्स में तो ये स्लीपर्स के नाम पे ये क्या पहना है, स्लीपर्स
इसमें नहीं जाएगी ना, वो तुम्हारे रूम में आई थी मैं। क्या तो, मम्मी यार ये देखो ऐसे चलते हैं बार बार। हाँ बोलो यार। हाँ अपनी। हाँ यार वैसे पूरे जूते जो हैं वो बर्फ के अंदर है ऑलरेडी। भाई गॉड मैंने तो स्नोफॉल नहीं देखी अपनी जिंदगी में, इस बार तो कुछ अलग ही देख लिया है। और इसको नहीं ठंड लग रही क्या? ये पीछे पीछे चले आ रहा है पापा के। कोई हमसे जीत ना पाए, चले चलो चले चलो। इतने ठंड ना लागे भाई, नो ठंड लागे। और व्यू एक बार फिर से, योर फेवरेट व्यू मैन इज हियर टू शो यू द व्यू। ओए होए 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 होए। नाउ ब्रेकफास्ट टाइम गाइस। आ गया पापा आ गया। जूतों में बर्फ फंस गई। अरे ऊपर जाके साफ हो जाएगी जी, अपने आप पिघल जाएगी। तुम गीला हो जाएगा ना जूता। जूता भी कम गीला देने, सॉक्स भी कम गीला, वैन सॉक्स भी कम गीला, एवरीथिंग भी गीला 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 दिल गीला गीला। मम्मी मेरे लिए भी कुछ खाने को ले लो मम्मी। ये देखो क्या खाओगे तुम मम्मी। यहाँ पे तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता मम्मी। ये आप जो लोगे मैं खुशी खुशी खा लूंगा मम्मी। कुकीज मैं खा लूंगा। सीन देख यहाँ से ले। ये लो गाइस बाहर का सीन देख लो। ये बंदा तो बाहर नहीं जा सकता, बट यहीं से देख लो। कल बर्फ नहीं थी तो कुछ अलग लग रहा था, आज बर्फ गिरी हुई है तो अलग ही कंट्री लग रही है।